सांझ की देहरी लांग अंधेरा कमरों तक घुस गया था। बाहर का मंजर कुछ और ही था। अंधेरे के आते ही जैसे पूरा शहर उसके स्वागत में जुट गया हो। गलियारे और सड़कें स्ट्रीट लाइट से जगमगा उठे थे। नुक्कड़ बाजार झिलमिलाती लाइटों में नहा रहे थे। बाहर का शोर मेरे कमरे में खिड़की के रास्ते घुसना चाह रहा था, पर मैंने उसे भी घुसने की अनुमति नहीं दी। आज अंधेरे में खुद को ढूंढना चाह रहा था बस। अंधेरा शुरू में तो डरावना होता है, लेकिन कुछ वक्त उसके साथ बिता लो तो कमरे में हर एक चीज जो अंधेरे के पर्दे में ढकी थी अचानक अपने अस्तित्व में आने लगती है। नजरें साफ होने लगती है, आंखों की पुतलियां अपना व्यास बढ़ाने लगती है और सोच अपना दायरा। मैंने भी सोचा कुछ पल क्यों ना खुली आंखों से इस अंधेरे को देख लो, महसूस कर। बिट पर लेटे लेटे छत को देखा तो लगा क्या ये मेरे हिस्से का आसमान है। फिर खुद को पंखे की नजर से देखा तो सोच में पड़ गया। माचिस नुमा बिस्तर पर मैं किसी डब्बे में बंद सामान सा इधर उधर लुढ़क रहा था। हर रात नींद जैसे पन्नों से सरकते सरकते हासिए में आकर रुक जाती थी। चार दीवारी घर के चार छोटे स्तंभ पर खड़ा मेरा बिस्तर भी सोचता होगा इतनी करवटें बदलने वाले आदमी को मैं सपनों की दुनिया में कैसे लेकर जाऊं। मुझे लगता था कि अकेला मैं ही उलझन में हूं, पर दूर से और अंधेरे में भी दिखाई देती आकृतियां मुझे लेकर ज्यादा उलझन में लग रही थी। तभी खूंटी पर टंगे शर्ट की पॉकेट से रोशनी जलने बुझने लगी। मैं रोशनी की ओर अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने लगा। पास पहुंचा तो देखा एक जुगनू मेरे कपड़े में फंसकर डर से ज्यादा ही चमकीला हो गया था। उसे आजाद किया तो बेचारा मेरे बंद अंधेरे कमरे में इधर उधर भटकने लगा। भले ही उसके पास खुद की रोशनी थी, लेकिन रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। मुझे डर था अगर मैंने दरवाजा खोला तो इस स्याह से अंधेरे कमरे में इस उम्मीद की रोशनी को खो दूंगा। लेकिन दूसरे ही पल उसकी छटपटाहट देखकर लगा मुझे उसे रास्ता दिखा देना चाहिए। मैं खिड़की की तरफ बढ़ा। छिटकनी खोलते ही मेरे शहर की रोशनी मेरे कमरे में पसरे अंधेरेपन को निगलती कमरे की हर चीज पर आ बैठी। मैंने देखा जुगनू अभी भी वही था, और खिड़की खुलते ही कुछ और टिमटिमाते तारे से जुगनू मेरे हथेली में आ बैठे। मुझे मुट्ठी बंद नहीं करना था, क्योंकि बंद अंधेरे कमरे की घुटन उस चमकते फरिश्ते को नहीं देना था मुझे।